बॉलीवुड फिल्मों का फ्यूचर खतरे में है। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द साउथ फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को ओवरशैडो कर लेगी। और अगर ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब इंडियन सिनेमा को दुनिया भर में सिर्फ साउथ फिल्मों के लिए जाना जाएगा। बॉलीवुड के अस्तित्व को लेकर यह बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि इसमें पूरी गलती बॉलीवुड की है, पर हैरानी की बात तो ये है कि साला ये अकल के अंधे लोग इस प्रॉब्लम को इग्नोर करके वही गलतियां बड़े तादाद में कर रहे हैं, जिससे इनका फ्यूचर घनघोर अंधेरे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो चलो आज बॉलीवुड के फ्यूचर को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग बातों पर डिस्कस करते हैं। अगर बात करें 2022 में बॉलीवुड के हिट फिल्मों की, तो कुछ गिनी चुनी फिल्में ही थी जो हिट थी, जिसमें दृश्यम 2, गंगूबाई काठियावाड़ी, भूलभुलैया 2 और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शामिल है। और 2022 की सबसे हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा थी, जिसने 441 करोड़ कमाकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ अयान मुखर्जी के किस्मत के ताले भी चमका दिए थे। बंदे को उसके बाद सीधा वॉर 2 में एज अ डायरेक्टर लिया गया। और बॉलीवुड जैसे इतने बड़े इंडस्ट्री की सिर्फ 4-5 फिल्में चलना और उसमें भी हाईएस्ट पेइंग फिल्म का 500 करोड़ भी टच ना कर पाना, सोचो इससे बुरा क्या हो सकता है बॉलीवुड के लिए। ये सब अब भी चल लिया क्या? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। पर सच कहूँ तो इनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। नहीं मतलब इनके पापों का घड़ा भर चुका था और वो कभी ना कभी तो फटना ही था। तो बेटा कल करे सो आज कर। इन्होंने इतनी घटिया फिल्में बनाई थी कि थिएटर्स में खामोशी और सन्नाटा राज कर रहा था। हालांकि 2023 के शुरुआत में ही पठान ने आकर तहलका मचा दिया था। सबको लगा कि बॉलीवुड का सूखा खत्म हो गया, लेकिन बेटा एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा जरूर करती है, पर वही एक अच्छी मछली पूरे तालाब को अच्छा नहीं कर सकती, और बॉलीवुड ने ये साबित भी कर दिया। पर सवाल ये है कि प्रॉब्लम क्या है? इनके पास मनी, स्टारडम और ऐसी सभी चीजें हैं जो एक अच्छी और बेहतरीन फिल्म को बनाने में सक्षम है, पर फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ये अभी ऑडियंस को वो नहीं दे पा रहे हैं जो कि फैंस को इनसे चाहिए। और ये रीजंस बॉलीवुड को धीरे धीरे अंधेरे के दलदल में ढकेलते जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके फिल्म की क्वालिटी की। और मैं सच कहूँ तो जो फिल्में 2022 या फिर 23 में बॉलीवुड की हिट हुई थी उनकी क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तुम फ्लॉप फिल्मों की तो छोड़ ही दो, पर हिट हुई फिल्में भी क्वालिटी की बजाय फैन सर्विस ही थी, और ये उनकी फिल्में फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन है। और बेटा ये बस चीजों को लपेटने में ही लगे पड़े हैं। इनको लगता है कि इनकी पुराने टेक्निक्स अब भी काम करती है। हर हर एक दिमाग में ये होता है कि हम मुगले आजम बना रहे हैं, शोले बना रहे हैं, हम आपके हैं कौन बना रहे हैं, दिलवाले बना रहे हैं, यू नो, बट वो इवेंचुअली बनती नहीं है। अच्छा हमको सिखा दिया है। दुनिया अभी बहुत आगे बढ़ चुकी है, सबको कुछ नया देखना पसंद है। मतलब वो धर्मेंद्र और मिथुन दा की एक्शन अब भी जॉन और टाइगर की फिल्मों में दिखाई जाती है। चूतिया लिखा है क्या? वही फैमिली ड्रामा, वही 90s की लव स्टोरी। और दोस्तों इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पब्लिक कहती है सह लेंगे थोड़ा सा, पर उसके बावजूद ही अपनी फिल्मों में ऐसे लोगों को काम देती है जिनका फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। राघव एक बेस्ट डांसर, विजेंद्र सिंह एक बॉक्सर, शहनाज गिल इसने तो आखिरी बार बिग बॉस में ही एक्टिंग की थी। यह है अपने सलमान भाई की फिल्म की कास्ट, जिसे टैलेंट देखकर नहीं बल्कि चापलूसी और रिश्तेदारी देखकर भर्ती किया गया है। मतलब नेपोटिज्म की सारी हदें पार है। और ये तो कुछ भी नहीं है, अपने फिल्मों से लोगों की जान लेने वाले फराज सामजी को इन्होंने डायरेक्टर लिया है। मतलब सच में कितने सारे लोग हैं जो इनसे कई बेहतर डायरेक्टर है, पर पता नहीं इस इंसान के पास बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स के ऐसे कौन से वीडियोस हैं जो अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान तक सभी बड़े बॉलीवुड एक्टर्स इनके साथ मिलके टट्टी फिल्में बनाने में लगे पड़े हैं। और आजकल तुम्हें ये चीजें बॉलीवुड के हर मूवी में दिख जाएगी। अनन्या पांडे जो एक्टिंग के नाम पर क्या करती है, अगर तुमने इनकी फिल्में देखी है तो बताने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें बॉलीवुड की हर बड़ी मूवी में मिल जाएगी। वाणी कपूर जो एक्टिंग तो छोड़ो, साला ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाती, उसे शमशेरा जैसी ओल्ड थीम वाली मूवी में लिया जाता है। कसम से कह रहा हूँ, टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आई हुई एक मॉडल लगती है वो शमशेरा में, और अपने टाइगर भाई सिर्फ एक्शन ही करती है क्योंकि एक्टिंग तो इनसे होती नहीं। और सच कहूँ तो यहाँ नेपोटिज्म कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि साउथ में रामचरण से लेकर अल्लू अर्जुन तक सब नेपोटिज्म में ही डूबे हुए हैं, लेकिन वो सब मिलके किसी बाहर वाले को आने से नहीं रोकते, बल्कि उनका सिंपल सा फंडा है, जिसमें टैलेंट होगा वही यहाँ रहेगा, चाहे वो स्टार किड हो या फिर नहीं हो, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। लेकिन करण जौहर जैसे लोग बॉलीवुड को अपने बाप की जागीर समझने लगती है। और सिर्फ करण जौहर ही नहीं, रोहित शेट्टी, सलमान खान और ऐसे कई बड़े लोग बस बैकग्राउंड के दम पर फिल्मों में काम देते हैं, वरना सिनेमा में सारा नहीं दिखती। मैं आगे, हाँ, मैं तो चलते चलते आगे ऐसे। उसके बाद सर ये लड़की लिटरली अब ये स्टार बन गई, तो मैं बोल सकता हूँ प्लीज मुझे काम दे दो। इसने ऐसा किया लिटरली, सैफ अली खान की बेटी, मुझे रोना आ गया। अरे मैंने बोला तू पिक्चर कर ले, फिर रात को सोचा भाई तू इमोशनल होकर फिल्म को दे दिया। ओ भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। प्रॉब्लम स्टार किड नहीं है बल्कि हार्ड वर्क की कमी है। ये सोच लेना कि मैं सिर्फ स्टार किड को ही काम दूंगा और फिल्में हिट होगी, ये बड़ी गलती है। अगर बॉलीवुड में फिल्में हिट होनी है तो इसके लिए टैलेंट को काम मिलना जरूरी है। राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, सुशांत सिंह राजपूत, इन सबको बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत ही घिसनी पड़ी थी, क्योंकि इनका कोई बॉलीवुड में कनेक्शन नहीं था या फिर कोई बैकग्राउंड नहीं था। जबकि वही दूसरी तरफ वरुण, टाइगर, अनन्या और सारा जैसे बॉलीवुड बैकग्राउंड एक्टर्स को इजीली एक बड़ी फिल्म में डेब्यू करने का मौका मिलता है। इसीलिए टैलेंट को काम देना बहुत जरूरी है, और सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा। ये पुराने तरीके और रीमेक की बकचोदी छोड़कर मेकर्स को कुछ बड़ा सोचना होगा, क्योंकि ओटीटी ने पूरे इंटरनेट की दुनिया को बदल के रख दिया है। कई सारे एनिमेज और वेब सीरीज लोगों के बीच पॉपुलर हो गई है, मतलब ओटीटी पर उन्हें कुछ नया मिल रहा है। एंटरटेन का इतना बड़ा नशा मिलने के बाद जब लोग थिएटर्स में जाते हैं तो वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि ओटीटी की वजह से थिएटर्स से उनकी उम्मीदें और बढ़ गई है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी फेस हो रही है, और इस बात को इंडियन मेकर्स को समझना पड़ेगा। स्पेशली बॉलीवुड अब भी यही सोचता है कि उनकी छोटे विजन वाली फिल्में चल जाएंगी, जिसमें वो किसी और का कंटेंट खरीद कर उसमें अपना बॉलीवुड मसाला डाल के बेच रहे थे। लेकिन बेटा, एक से डेढ़ साल से लगातार इनकी ऐसी फिल्में फ्लॉप ही जा रही है, क्योंकि वक्त अब कुछ बड़ा सोचने का है। बॉलीवुड मेकर्स को अपना छोटा विजन छोड़कर कुछ बड़ा सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई अब इन चीजों की इंतहा हो गई है, लोग अब इनसे पक गए हैं, और मुझे इनका भविष्य धीरे धीरे अंधेरे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बेटेलाल, मैं बता रहा हूँ, अगर इन लोगों ने अब भी कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि बॉलीवुड का फ्यूचर वाकई में बहुत अच्छा नहीं होगा। हालांकि इस बात को शायद कुछ डायरेक्टर समझ चुके हैं और उनके सपने बहुत बड़े हैं, जैसे कि आयन मुखर्जी का आशीर्वाद या फिर वायरअप का स्पाइवर्स। ऐसे कुछ चुनिंदा मेकर्स अभी भी बॉलीवुड में मौजूद है जो कुछ बड़ा करके बॉलीवुड को बचा सकते हैं, और बस यही है जो बॉलीवुड को अंधेरे में जाने से बचा रहे हैं या फिर बचाएंगे। और यकीन मानो, इन चीजों को सुधारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक बार के लिए कुत्ते की पूंछ भी सीधी हो सकती है, लेकिन इनका सीधा होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पैसे का नशा इस दुनिया का सबसे बड़ा नशा है और ये पूरी तरह से उस नशे में डूब चुके हैं। तो अब मुझे बॉलीवुड का भविष्य धुंधला नजर आ रहा है, पर साला हम करे भी तो क्या करे, ये भोसड़ी वाले किसी की भी नहीं सुनने वाले हैं। और सच कहूं तो मैं इन्हें सुधारने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूं। दुनिया तेजी से बदल रही है, और जो इस बदलती दुनिया में अपने कंटेंट की क्वालिटी को नहीं बदलेगा उसे ये दुनिया पीछे छोड़ देगी। वैसे भाई, तुम लोग अपने बॉलीवुड के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो? क्या अपने लेजेंड अब वाकई में बूढ़े हो गए हैं और अनफॉर्चुनेटली अब वो अपने सफर के आखिरी पड़ाव में वो बकचोदी कर रहे हैं जो हमने उनको करते हुए देखने का सोचा भी नहीं था? पर क्या लगता है, क्या इनकी जगह वाकई में कोई और ले पाएगा या फिर चीजें हमेशा ऐसी ही रहेगी? आपको इस बारे में जो भी लगता हो दिल खोल के मुझे कमेंट में बताओ। साथ में आदि पुरुष पर भी हमने बात की है, जो कि इस कड़ी का एक अहम हिस्सा होने वाला है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखना, तुमको वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे वीडियो देखने के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।